कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
वैष्णवपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत्यधीशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। ओम अज्ञानातिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुता पदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। आज श्रीमद् भागवत के पहला स्कंद का पहला अध्याय का अंतिम दो श्लोक पर चर्चा करेंगे। अगले हफ्ते से सुत गोस्वामी जो रोम हर्षण के पुत्र हैं वो जवाब देने के लिए शुरू करेंगे, उसकी व्यवस्था करेंगे अगला अध्याय से अगले हफ्ते। आज जो छह प्रश्न है उनका आखिरी प्रश्न भी इसमें सम्मिलित होगा। और श्रीमद् भागवत ये एक ऐसी बोट है, श्रीमद् भागवत एक ऐसी क्या बोलते हैं हवाई यात्रा है या तो प्रेम यात्रा है कि जिसके अंदर टिकट मिलती है सिर्फ गुरु के द्वारा। अगर हम श्रीमद् भागवत को पढ़ना चाहें या सुनना चाहें लेकिन नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये, ये सुत गोस्वामी द्वारा बताया गया है, अगले अध्याय में हम देखेंगे। तो इनके द्वारा अगर सुत गोस्वामी अगर श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं तो ये श्लोक और मंगलाचरण के द्वारा प्रवेश करते हैं, अपने गुरु की महत्ता को प्रदान करते हुए प्रवेश करते हैं। तो मंगलाचरण के अंदर हम गुरु की महिमा गुरु के प्रणाम मंत्र गुरु की अनुमति सब कुछ लेते हैं और फिर भगवान को प्रणाम करते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
तो श्रीमद् भागवत के अंदर प्रवेश करना है तो पहले तो हमें गुरु की अनुमति चाहिए, गुरु की आज्ञा चाहिए, गुरु का आशीर्वाद चाहिए, साथ साथ सुत गोस्वामी जैसे महान ऋषि के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। ये हम बोलने के लिए नहीं बोलते कि मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपातम अहम वंदे परमानंद माधवम, ये हम बोलने के लिए नहीं बोलते हैं, एक क्या बोलते हैं रिचुअल नहीं है, ये एक नम्र प्रयास है भगवान की महिमा को देखने का। मुकम करोति वाचालम, जो गुंगे को भी बुलवा सकते हैं, पंगुम लंघयते गिरिम, जो लंगड़े को लूले लंगड़े को भी पर्वत पे चढ़ा सकते हैं, यत कृपा तम हम वंदे, ऐसी कृपा। इसका मतलब क्या है, ये जब मंगलाचरण बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली श्रीमद् भागवत बोलने के लिए हम मेरे जैसे लोग गुंगे हैं, मुंगे हैं, उनके अंदर कोई क्षमता नहीं, ना उनके लिए भागवत की यात्रा में चलने की क्षमता है। लेकिन कैसे चल रहे हैं हम सब, यत कृपातम अहम वंदे परमानंद माधवम श्री गुरुदीन तारणम श्री चैतन्य ईश्वर, तो वो कृपा के माध्यम से और गुरु की अहेतु की कृपा के माध्यम से, भगवान की अहेतु की कृपा के माध्यम से हम श्रीमद् भागवत में चलते हैं। ये जो मंगलाचरण के जो श्लोक है, ये श्लोक जब हम बोलते हैं तो उसके एक एक शब्द के साथ हमारी यात्रा चलनी चाहिए। भागवत का रसापान कैसे करेंगे आप, भागवत का रस स्वाद करना है तो खाली बाह्य वाक्य नहीं बल्कि श्लोक या तो उनके अनुवाद के एक एक शब्दों पे हमें ध्यान देना है। ऐसा भागवत है, ये अमृत है और उसके अंदर हम उसके ऊपर हमारा मन का चिंतन होगा, मन तो मन की गहराई का दरवाजा खुलेगा। तो ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं, कर्णों से कर्ण रंध्र से प्रवेश करने के बाद मन के द्वार को खोलने के लिए, और मन के द्वार खुलेंगे तो मन के अंदर भागवत को समझने की क्षमता भगवान और गुरु प्रदान करेंगे। यत कृपातम अहम वंदे परमानंद माधवम श्री गुरुदीन तारणम श्री चैतन्य ईश्वर। तो आइए हम सब श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के पहले अध्याय के 22 और 23वें श्लोक पे चर्चा करने जा रहे हैं। तम न संदर्शितो ध्रात्रा दुस्तरम निस्तितीर्षताम कलिम सत्वहरम पुंसा कर्णधार इवाणवम। त्वं न संदर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्तितीर्षतां कलिं सत्वहरं पुंसा कर्णधार इवाणवम्। त्वं न संदर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्तितीर्षतां कलिं सत्वहरं पुंसा कर्णधार इवाणवम्। आगे ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्णनी साम काष्टाम मधुनोपेते धर्म कम शरणम गतः। ब्रूहि योगेश्वर कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्णनी साम काष्टाम अधुना उपेते धर्म कम शरणम गतः। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्टाम दुनुपेते धर्म कम शरणम गतः। तो ये दोनों श्लोक के ऊपर आज चर्चा करने की जा रहे हैं, दोनों के अनुवाद साथ में पढ़ते हैं। हम मानते हैं, शौनक ऋषि कह रहे हैं सुत गोस्वामी को, हम मानते हैं कि देवी इच्छा ने हमें आपसे मिलाया है जिससे मनुष्यों के सत्व का नाश करने वाले
उस कली रूप दुर्लंघ्य सागर को तरने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में ग्रहण कर सके। फिर से मैं अनुवाद पढ़ता हूं। शौनक ऋषि कह रहे हैं सुत गोस्वामी को, हम मानते हैं कि दैवी इच्छा ने हमें आपसे मिलाया है। दैवी इच्छा के बारे में भगवान ने गीता में भी बताया है, महात्मानोस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृति माश्रिता। जो महात्मा है, महात्मा जन है, जो भगवान के भक्तगण है, शुद्ध भक्तगण है, ये भगवान की अंतरंग शक्ति के शरण में होते हैं। देवीं प्रकृति माश्रिता भजन्ते अनन्य मनस, वो अलग है, लेकिन वो अनन्य मन से भजन करते हैं जो देवी प्रकृति के आश्रय में। देखिए, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, लेकिन भगवान ने एक श्लोक के गीता के गहरे कुएं के अंदर, गीता के उपदेश के गहराई में एक श्लोक दे दिया है, महात्मानस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति माशिता। तो उसके अंदर क्या है कि भगवान बताते हैं कि अगर मेरे ही पास आना है तो मेरी अंतरंग शक्ति के जरिए आप आओगे। जैसे ब्रज में कहते हैं, जो राधे को ना धावे ध्यावे वो शाम को कहां से पावे। तो यहाँ पे भी शौनक ऋषिगण कह रहे हैं, हम मानते हैं कि दैवी इच्छा ने हमें आपसे मिलाया है। यानी कि जब हम श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, महामंत्र का जाप करते हैं, कोई भी गुरु के निर्देशन में कार्य करते हैं, या गुरु के पास दीक्षा के लिए उत्सुक होते हैं या दीक्षा लेते हैं, ये सभी कार्य हमें श्रीमती राधा रानी से जोड़ते हैं। श्रीमती राधा रानी से जोड़ते हैं। तो हम मानते हैं कि दैवी इच्छा ने हमें आपसे मिलाया है, जिससे मनुष्य के सत्व का नाश करने वाले उस कली रूप दुर्लंघ्य सागर को तरने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में ग्रहण कर सके। हमारे सेनापति नौका के कप्तान कौन है? अभय जनार्विंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद। और प्रभुपाद की नौका के अंदर उनके सहायक, उनके शिष्यगण, इस होलीने जयप्रताका महाराज और अन्य उनके शिष्यगण आचार्यगण के द्वारा हम ये भवसागर की बोट पसार कर रहे हैं, ये भागवत के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, ये भव सागर के अंदर, समुद्र के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। तो जिससे मनुष्य ने सत्व का नाश करने वाले, सत्व का नाश करने वाले, एक्चुअली सत्य क्या है ये पहले श्लोक में वेद व्यास जी ने बता दिया है। और सत्य कैसे प्राप्त किया जाता है? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मोयंति यत् सूर्ययः। जब तक भगवान की अनुकंपा ना हो, जब तक भगवान की इच्छा ना हो, और जब साथ साथ जब तक साधक का ध्येय क्रिस्टल क्लियर ना हो, एकाग्र ना हो, तब तक भगवान का उपदेश हमारे हृदय में प्रस्थापित नहीं हो सकता। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम् दधामी बुद्धि योगम। तो यहाँ पे आगे तात्पर्य में जाते हैं प्रभुपाद जी के। कलयुग मनुष्य के लिए अत्यंत खतरनाक है, मनुष्य के लिए अत्यंत खतरनाक है। यह मानव जीवन तो आत्म साक्षात्कार के ही निमित्त मिला है। देखे भौतिक जगत, और जब तक हम इस्कॉन में नहीं जुड़े थे तब तक हमारी मनोदशा क्या थी, हम सब अपने आप को पूछ सकते हैं।
नया नया था, तो मैंने मेरे शिक्षा गुरु से प्रश्न किया था, हाँ प्रभु ठीक है आप सब बता रहे हो बहुत ठीक है, हम 16 माला भी करने की कोशिश करेंगे और 16 माला भी कर लेंगे हरे कृष्ण महामंत्र का, लेकिन ये माला करने के बाद हमें दीक्षा लेने की क्या आवश्यकता है? अगर आज दीक्षा नहीं ले दी नहीं ली होती तो हम सब ये भक्तों के संग में शायद नहीं बैठे होते। दूसरी बात है, मेरे शिक्षा गुरु ने मुझे कहा, इस ग्रेस विजय माधव दास प्रभु जी, उन्होंने मुझे कहा आप अपने जीवन में 100 साल में आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो भी प्रयास कर सकते हो, आपके 100 साल के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के लिए आप जो भी प्रयास करना चाहोगे और कर पाओगे उससे कई गुना अधिक अगर आपको आध्यात्मिक दिशा में कोई ले जाने वाला है तो वो गुरु दीक्षा, वो गुरु की दीक्षा के बाद प्राप्त होगा। आप अपने 100 प्रयत्न से चलोगे तो सुकृति तो है, अनेक जन्म में संसिद्धि मिलेगी जरूर, और भगवान का नाम है तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन हमारा 100 प्रयास से भी कई गुना अधिक अगर हमारी भक्ति में, अगर हमें प्रयाण भक्ति के प्रयाण में हमें बढ़ती करेंगे तो वो गुरु की दीक्षा के बाद गुरु के आदेशों का पालन के द्वारा हम कर पाएंगे। नहीं तो प्रभुपाद जी ये तात्पर्य में कह रहे हैं कि मनुष्य कलियुग मनुष्य के लिए अत्यंत खतरनाक है, यह मानव जीवन तो आत्म साक्षात्कार के ही निमित्त मिला है, किंतु इस युग की करलता के कारण लोग जीवन के लक्ष्य को पूरा भूल चुके हैं। आज हम देख रहे हैं, आज इसमें कोई नवे की बात नहीं, आज हम देख रहे हैं कि जीवन के लक्ष्य को हम सामान्य लोग जन भूल चुके हैं, उनको सांसारिक जिम्मेदारी और सांसारिक आवश्यकता पर बल प्रदान करते हैं, वो जरूरी है ठीक है, लेकिन इससे भी अधिक प्राधान्य भगवान की महिमा में, भगवान की भक्ति में है, जीवन के लक्ष्य को स्थापित करने में। इस युग में आयु क्रमशः घटती जाएगी। देखिए, अगर हमें लंबी यात्रा में जाना हो, अगर हमारे पास गाड़ी हो और अगर हमें लंबी यात्रा में जाने हो तो हम ज्यादातर अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह निकलने की कोशिश करते हैं ताकि पूरा दिन जर्नी हो और रात से पहले हम पहुंच जाए, ये हमारा प्रयास रहता है। लेकिन अगर हम जीवन की यात्रा में मनुष्य जीवन का लक्ष्य के अंदर अगर हम स्थापित करना चाहें तो उसके लिए हम उत्कृष्ट नहीं होते, वो लक्ष्य के लिए हम शुरुआत करने के लिए झिझकते हैं, हम शुरुआत करने के लिए डरते हैं, या तो पहले मनोधर्म में चले जाते हैं। ये हमारा कलयुग का लक्षण है और हमारा मनोधर्म का लक्षण है, ये हमारे पाप का लक्षण है। इस युग में आयुष्य आयु क्रमशः घटती जाएगी, प्रायण अल्पायुष्य अलोस्मि युगे जना मंदाहास मंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता, आयु घटती जाएगी। जैसे हम जानते हैं कि सतयुग में मनुष्य की आयु 100,000 साल थी, त्रेता युग में मनुष्य की आयुष्य 10,000 साल हो गई, द्वापर युग में 1,000 साल हो गए, और कलयुग में मुश्किल से 100 साल है, वो भी बहुत कम मात्रा में है, और अभी कलयुग की तो शुरुआत हो रही है और मनुष्य की आयु कम होने लगी। अभी हमारी जर्नी बहुत लंबी है भगवत धाम जाने के लिए, भगवत भक्ति और भगवत महिमा समझने के लिए। इतनी लंबी यात्रा में, भक्ति में आप जितना आगे बढ़ोगे उतनी यात्रा हमें लंबी दिखाई देगी। अगर हमें भक्ति की यात्रा लंबी नहीं दिखाई दे रही है तो ये एक लालटेन है हमारे लिए कि भक्ति की यात्रा अगर हमें लंबी नहीं दिखाई दे रही है
इसका मतलब हमारी भक्ति स्थित है, प्रगति नहीं कर रही है। भक्ति का एक अनुभव है कि जितना आप उसमें आगे बढ़ोगे उतनी भक्ति कम लंबी नजर आएगी। वो बात अलग है कि हमारी लंबी की दूरी जो है अगर भगवान पूरी करना चाहे तो एक क्षण में पूरी कर सकते हैं, वो भगवान की हितों की कृपा है। लेकिन हमारी यात्रा बहुत लंबी, इसलिए हमारी तरफ से अगर हमें भक्ति करनी है तो जितना जल्दी हो सके जीवन में, जब जागे तब से हमें भगवत कक्षा में, भगवत गीता में, या भक्तों के संग में, महामंत्र के जप में, या गुरु दीक्षा के लिए उत्सुक रहकर जुड़ जाना चाहिए। आगे बताते हैं प्रभुपाद जी कि लोग अपनी स्मृति, कोमल भावनाएं, बल तथा उत्तम गुण खो देंगे, हमारी स्मृति खो जाएगी। देखिए श्रीमद् भागवत जो है, ऋषि मुनियों को पहले अपने मन में पूरा मालूम था, उसकी स्मृति में था, फिर भी ऋषि मुनि अपने ज्येष्ठतम जो सुत गोस्वामी उपलब्ध है उनके जरिए वो कथा सुनने के लिए उत्सुक है। अपने मन में होने के बावजूद भी उस समय की बात थी और आज की बात है, हमारे मन में भी नहीं है और हम उत्सुक भी नहीं रहे। तो हमारे अंदर जो कोमल भावनाएं हैं वो दिन व दिन खत्म हो रही है। देखिए कई बार कई रास्ते पे भी जाते हुए देखेंगे, किसी का एक्सीडेंट हुआ, कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम हुआ और कोई एक दूसरे में मारामारी हो गई तो लोग वीडियो उतारने के लिए चालू हो जाते हैं, लेकिन उसके बीच में जाके उनको छुड़ा के, उनके पीछे सुझाव लेके उनको शांत नहीं करते, उनका तमाशा देखते हैं। यानी कि क्या है, कोमल भावनाएं नष्ट हो चुकी। मुझे याद है अभी तक 25-30 साल पहले की बात है, जब हमारे हाथ में मोबाइल नहीं होता था, जब हमारे हाथ में पेजर नहीं होते थे, तब हम अगर ऐसी घटनाएं देखते थे तो वो क्राउड में, पब्लिक में से कुछ लोग इकट्ठे होके साथ में आके वो झगड़ा खत्म करने के लिए मदद करते। आज सब तमाशा देखने वाले। 25 साल में ये बदलाव हम अपनी नजर से देख रहे हैं कि कोमल श्रद्धाएं खत्म हो जाएंगी। क्यों खत्म होती है? क्योंकि हमारा हृदय जो है वो, प्रभुपाद जी के शब्दों देखिए तो हमारा हृदय है स्टील फ्रेम हार्ट, लोहे का बनते जा रहा है। हमारा हृदय के अंदर कोमल भावना खत्म हो रही है, स्टील फ्रेम हार्ट प्रभुपाद जी का शब्द है। और स्टील फ्रेम हार्ट के हृदय में हम कोमल भावनाएं या कोमल किसी का अन्याय वो हमें कुछ असर नहीं होती। इसका और एक उदाहरण दिया जा सकता है, हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि एक फ्लाइट क्रैश हो गई और फ्लाइट में बैठे बैठे 200-250 मुसाफर मर गए, हमें कोई भी असर नहीं होती। हमें तो अरे बेचारे को क्या होगा, खाली इतना बोल के हम चुप हो जाते हैं, हमें हमारा हृदय के अंदर कोई असर नहीं होती। हम न्यूज पढ़ते हैं, बेचारे क्या हो गया, ठीक, कितने दुर्भाग्य जीव होंगे मर गए। लेकिन अगर वो फ्लाइट के अंदर हमारा कोई एक आत्मीय जन होता तो हमारी भावना कहां तक पहुंच जाती, हम रोने लगते। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारी जो कोमल भावनाएं हैं वो कोमल भावना के अंदर आत्मीयता चली गई है। जब तक सभी जीवों के प्रति समानता से देखना, ब्राह्मण सुनीचे न स्वपाके च पंडिता समदर्शी न, जो समदर्शी भाव है वो भाव हमारे अंदर से चला गया है। इसलिए न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि फ्लाइट गिर गई तो अभी हमें असर नहीं होती, लेकिन हमारा कोई व्यक्ति है तो हमें असर होती है। तो यानी कि कोमल भावना खत्म हो गई।
बल तथा उत्तम गुण खो देंगे। जब बल नष्ट होता है तो आयु कम होती है और पाप का प्राधान्यता चला जा रहा है। तो हमारा आहार निद्रा भय मैथुन के अंदर हमारा दूसरी दिशा में हमारा अग्रिमता हो रही है कि पाप बढ़ रहा है और आयु कम हो रही है। अभी मैं आज की स्थिति देखना चाहूंगा। आप कोरोना की वैक्सीन की हम सब राह देख रहे हैं क्योंकि इट इज ए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो ये वैक्सीन की राह देख रहे हैं लेकिन ये वैक्सीन के अंदर कितने जीवों की बलि चढ़ेगी, कितने जीवों की बलि चढ़ के ये वैक्सीन बनाएगी, ये हमें पता नहीं। और ये जीवों के प्रति कितने लोग, सभी लोग वैक्सीन लेंगे तो सभी लोग वो जीव के प्रति अपराध करेंगे एक साथ, और वो एक साथ अपराध अपना फल लेकर आएगा। ये एक साथ उसको मार दिया जाए। तो कहने का मतलब ये कर्म ना गहनो गति, हम बोल नहीं सकते स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस हमारे लिए हमारे अपनी रक्षा करने का हमारा धर्म है, लेकिन ये धर्म का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों से अन्याय करें, दूसरे जीवों पर दयालु न रहें। लेकिन हमारा मजबूरी है कलयुग के अंदर, हमारी मजबूरी है कि हम वैक्सीन लेंगे। क्यों? क्योंकि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो ये कलयुग का प्रभाव है। ऐसी महामारी सतयुग में त्रेता युग में नहीं आती थी। ये महामारी अलग अलग बातों में आ रही है। इस युग की विषमताओं की सूची इस ग्रंथ के 12वें स्कंद में दी गई है। 12वें स्कंद में कलयुग का मतलब 28 प्रकार के नरक का और कलयुग की दुर्दशा का वर्णन किया गया है 12वें स्कंद में। अतः जो लोग इस जीवन का उपयोग आत्म साक्षात्कार में करना चाहते हैं उनके लिए यह युग अत्यंत दुष्कर है। लोग इंद्रिय तृप्ति में इतने अधिक व्यस्त है कि आत्म साक्षात्कार को पूरी तरह भूल चुके हैं। जब तक जीवन का लक्ष्य नहीं मालूम है तो जीवन की यात्रा कहाँ जा रही है कैसे किसको मालूम। हम बड़े बड़े एकेडमिक नॉलेज प्राप्त करते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करते हैं, किसके लिए? खाली पेट भरने के लिए, नौकर बनने के लिए। हमारा जीव का कार्य है नौकरी, नौकर बनना पड़ेगा। अगर हम भगवान के दास बनना नहीं चाहते तो हमारे पेट के दास बन जाते हैं, हमारे परिवार के, हमारे समाज के दास बन जाते हैं। लेकिन दास बनना ओरिजिनल क्या है? वो आत्मा का धर्म है। वो दास भगवान का दास बनना भूल गया है, इसीलिए वो पेट का दास बन के बोलते हैं कि इसके बिना हमारा गुजारा कैसे चले। उनको भगवान की महत्ता का, भगवान की प्राधान्यता का पता नहीं है। जो कीड़ी को कर्ण और हाथी को मण दे सकते हैं, पक्षियां कभी सुबह खाते हैं तो शाम को खाने की चिंता नहीं करते हैं। लेकिन हम जो मनुष्य हैं इतने कर्मठ हो चुके हैं, इतने अंधे हो चुके हैं कि हमें ऐसा लगता है कि अगर मैं खुद नहीं करूंगा तो मेरा सर्वाइवल नहीं होगा। हाँ जरूर करना है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि हमें अपना सर्वाइवल नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके प्रति हम ग्रस्त हो जाते हैं, इसके प्रति अधिक जीवन का लक्ष्य भूल के ग्रस्त हो जाते हैं। लक्ष्य कभी ना भूलना चाहिए। जो व्यक्ति लक्ष्य भूलता है उनकी यात्रा की कोई दिशा नहीं रहती। और मनुष्य जीवन, कलयुग का मनुष्य जीवन जो है उसकी दिशा खत्म हो चुकी है। ये हमारे सद्भाग्य है कि हमें गुरु के द्वारा हम भवसागर की बोट में बैठ चुके हैं और गुरु के द्वारा हम महामंत्र का जप करके जीवन लक्ष्य की ओर हमारी यात्रा चल रही है। ये हमारा सद्भाग्य है। हमारा सद्भाग्य की कोई सीमा जो है ये जो इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने हम सबको दिया है, अगर उसके ऊपर हम एनालिसिस करने बैठे तो 100,000 लोग अगर हमारे मन से एनालिसिस करें कि हमारे जीवन कितना सद्भागी है, तो वो सद्भागी की जो सीमा है
वो सीमा तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। ये सीमा इतनी गहरी है कि 84 लाख योनि में हमें बाहर उगार रहे हैं प्रभुपाद जी हम। नहीं तो लोगों को श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता का फर्क भी पता नहीं है लोगों को। दूसरी बात तो छोड़ो, भागवत और भगवत गीता का अंतर पता नहीं है। क्योंकि हाँ बोल चुके, उन्मत्तता से वशीभूत वे साफ साफ कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे यह नहीं समझते कि यह संक्षिप्त जीवन आत्म साक्षात्कार के विशाल यात्रा का एकमात्र क्षण है। सोल हैज इटर्नल जर्नी, आत्मा की अनंत की यात्रा है, और अनंत की यात्रा में ये मनुष्य जीवन एक क्षण बराबर है, एक क्षण तुल्य है। अगर क्षण तुल्य में अगर हमने यात्रा रोक दी या विपरीत दिशा में यात्रा करी तो ये आत्मा की यात्रा का लिए बड़ा डिस्टर्बेंस है। तो हम जानते हैं कि हम हाईवे पे जाते हैं, अनजान रोड पे हाईवे पे जाते हैं और हम चौराहे पे आ जाते हैं और हमें पता ना हो या वहां कोई साइन बोर्ड ना हो और हम गलत रास्ते पे चले जाए तो क्या होगा। चलो 15 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा हम गलत रास्ते पे चले जाए, क्या हो सकता है। हम कोई और जगह पहुंच जाएंगे जहां हो सकता है कि हमें जो पहुंचना है और जगह पहुंच जाएंगे। हम बचपन में पढ़ते थे वो डिग्री के माले में, जो 90 डिग्री से कम है वो लघु कोण कहते हैं, 90 डिग्री काट कोण कहते हैं, 90 डिग्री से ज्यादा होता है उसको गुरु कोण कहते हैं। ये हम बचपन में पढ़ते थे। उसमें एक डिग्री हिल जाती है तो शुरुआत में कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन जब लंबी यात्रा के बाद देखते हो तो वो 90 डिग्री के साथ कोइंसाइड नहीं होता। वो पर्टिकुलर 90 डिग्री काटकोण है, काटकोण में 89 डिग्री है तो वो 90 डिग्री के पास नहीं पहुंचेगा, या 91 डिग्री है तो वो 90 डिग्री के पास नहीं पहुंचता है। क्यों? क्योंकि वो शुरू में पता नहीं चला, शुरू में निकलता है जो बिंदु है वो एक ही है, लेकिन यात्रा के बाद जो डेस्टिनी है वो गलत हो जाती है, वो गलत जगह में पहुंच जाते हैं। तो जीवन का लक्ष्य अगर नहीं होगा तो हमारा जो पहुंचने की डेस्टिनी है, मनुष्य जीवन का जो अल्टीमेट ये है, भगवान की प्राप्ति, भगवत भक्तों की प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति, ये खत्म हो जाएगा। समुची शिक्षा पद्धति इंद्रिय तृप्ति की ओर उन्मुख है, और यदि कोई विद्वान इस पर थोड़ा भी सोचे तो वह देखेगा कि इस कलयुग में सारे बच्चों को जानबूझकर तथाकथित शिक्षा रूपी वधशालाओं में भेजा जाता है। वधशाला का मतलब है जो ज्ञान समाज को नष्ट करने वाला। हाँ, कई लोग बोलेंगे अरे प्रभु जी ऐसा कैसे कह सकते हैं आप। जब मनुष्य जीवन का उपयोग खाली पेट भरने के लिए किया जाता है तो वो वधशाला के अलावा और कुछ नहीं है। मनुष्य जीवन का उपयोग खाली पेट भरने के लिए नहीं है, पेट भरना हो तो उनकी एक बाय प्रोडक्ट है। मनुष्य जीवन का उपयोग बहुत सिंपल भाषा में प्रभुपाद जी ने समझाया, मैं कौन हूं, किसके द्वारा ये सब चल रहा है, मैं न चाहते हुए भी मेरी उम्र बढ़ती है, न चाहते हुए भी मेरे में रोग आता है, न चाहते हुए भी मृत्यु के पास मैं जाता हूं और मृत्यु के बाद मैं कहां जाता हूं, ये जानने के लिए ये मनुष्य जन्म है। लेकिन हम आहार निद्रा भय मैथुन पशु ही समान, हम पशु की तरह इसी में लिप्त हो चुके हैं। हमारी ये समाज की दुर्दशा है कलयुग में, इसलिए प्रभुपाद जी ने पहले ही वाक्य में कह दिया कि कलयुग की दशा बहुत खतरनाक है। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि अतएव विद्वान पुरुषों को इस युग के प्रति सचेष्ट रहना चाहिए। विद्वान पुरुषों को बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवामाम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जो बहुत जन्म के बाद जिसको पता है कि वासुदेव श्री कृष्ण ही सर्वस्व है,
ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है। लेकिन कलयुग के महात्मा कैसे हैं, कलयुग के लोग कैसे हैं, कर्मठ जिंदगी बिता रहे हैं कर्म क्षेत्र जगत में। वो सोचते हैं कि मैं करूंगा तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। इवन कभी कभी अज्ञानता में हम भक्ति में भी ऐसा कर बैठते हैं, अगर मैं करूंगा अपने हाथ से करूंगा तो ठीक है। हम जो भक्ति करते हैं उससे कई गुना अधिक भक्ति हम दूसरों से करवाते हैं, उसमें फायदा है। हाँ, हम भक्ति फायदा के लिए नहीं करते, वो अलग बात है, हम भक्ति प्रेम के लिए करते हैं। लेकिन अगर हम स्वयं भक्ति करें, हम स्वयं सेवा करें भगवान की, उसकी जगह और हजार जीवों को भगवान की सेवा में जोड़े, वो भगवान को और ज्यादा अच्छा लगता है। वो लाइन में पीछे खड़े हो जाए और दूसरे भक्तों को आगे करके उनकी उनके द्वारा सेवा करवाए, जैसे गुरु महाराज हम सबको सेवा करवा रहे हैं। गुरु महाराज प्रभुपाद जी हम सबको सेवा करवा रहे हैं, हम भागवत का सेवन कर रहे हैं, हम महामंत्र का सेवन कर रहे हैं। तो महात्मा जन जो है वो सभी जीवों को सेवा करवाने में लगे हैं। लेकिन कनिष्ठ भक्त जो है, नहीं 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 मैं करूंगा तो ही होगा, मैं खुद करना चाहता हूं प्रभु जी, आज मैं ये करना चाहता हूं, अच्छी बात है, भक्ति में उत्सुकता बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम भक्ति में सेवा करें उससे दूसरों की सेवा छीन ना जाए, उसका ध्यान रखना ज्यादा आवश्यक। हमारी सेवा से दूसरों की सेवा छीननी नहीं चाहिए, क्योंकि सभी जीव भगवान के, सभी गण भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। कभी गोपियों ने राधा रानी की कक्षा प्राप्त करने की कोशिश नहीं की, हालांकि भगवान कहते थे, राधा रानी को समझाते थे कि जितनी राधा रानी भगवान को प्रेम करती है उससे कई गुना अधिक गोपियां भी भगवान को प्रेम करती थी। लेकिन फिर भी वो गोपियों ने राधा रानी की जगह उनको साइड बाय साइड करना का कोशिश नहीं की। क्यों? ये प्रेम है, ये सेवा है, प्रेम में सेवा है, और सभी भक्त मिल के सेवा करते हैं, एक दूसरे की सेवा छीन कर सेवा नहीं की जाती। और यहां पे हम सेवा का प्राधान्यता लेने के लिए नहीं आते हैं। सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, हमें सभी उपाधियों से नीचे जाना है, तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रूप से सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम। तो यदि कोई विद्वान अतएव विद्वान पुरुष को इस युग के प्रति सचेष्ट रहना है, और यदि वे इस घोर कलयुग की समुद्र को पार करना चाहते हैं तो उन्हें नैमिषारण्य के ऋषियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, और श्री सुत गोस्वामी या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि को नाव के कर्णधार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। वह नाव श्रीमद् भागवत या भगवद गीता के रूप में ही भगवान श्री कृष्ण का संदेश ही है। ये नाव है श्रीमद् भागवत और भगवद गीता, ये नाव है, वो नाव में जीवन नैया को बिठाना है, और ये भगवान का और ये भक्तों का, ये ऋषिगण का संदेश। आइए अगले श्लोक में, अगला श्लोक बहुत छोटा है लेकिन वो ऋषि मुनियों का आखिरी प्रश्न है, छठा प्रश्न जो सुत गोस्वामी को कर रहे हैं। तो अगले श्लोक में जाते हैं, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि ताम काष्ठम दुनो पेते धर्म कम शरणम गतः। अनुवाद देखते हैं, क्योंकि परम सत्य योगेश्वर श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतएव कृपा करके हमें बताए कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया। क्या ऋषि मुनियों को यह पता नहीं था? बहुत अच्छी तरह पता था, लेकिन वो आश्रय का आस्वादन करने के लिए सुत गोस्वामी को कर रहे हैं। भगवान की महिमा इतनी है, इतनी मधुर है, इतनी रसप्रद है, जितना सुनो और सुनने की इच्छा होती है। मुझे याद है मेरे शिक्षा गुरु इस
हिज ग्रेस विजय माधवदास प्रभु जी, वो जब भागवत की कक्षा करते थे तो हम सब बर्थडे पार्टी, किसी ने बुलाया तो बर्थडे पार्टी भी छोड़ के वो हम बोलते थे कि हम बाद में आएंगे, पहले क्लास सुनने जाएंगे। और क्लास सुनने के बाद जब एक घंटा पूरा हो जाता था तो हमें पता नहीं चलता था, हम सोचते थे कि अभी तो बराबर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आया और अपना क्लास खत्म कर दिया, प्रभु जी आपने आगे क्या हुआ। प्रभु जी के क्लास इतने मधुर थे कि कभी कभी हमें एक घंटा कम पड़ता हुआ दिखाई देता था, हम सोचते थे कि और ज्यादा सुने। और कभी कभी प्रभु जी के साथ हम मित्रता के साथ हम जुड़ते थे और मित्रता में कहते थे कि प्रभु जी हमें कुछ कथा सुनाइए भगवान की, तब प्रभु जी कहते थे कि वो तो भागवत आसन पर या व्यास आसन पर की जाती है, तब हम गुरु से जुड़ते हैं तब होती है कथा, हमारे अंदर क्या बात है कि हम बोल पाएंगे। हम तो जब गुरु के बताए गए निर्देशन में मंगलाचरण करके आसन ग्रहण करते हैं तब गुरु के जरिए गुरु की लिंक प्रस्थापित करने के बाद भागवत हम बोल सकते हैं या सुन सकते हैं। तो वो हमको कहते थे कि एक्चुअल अगर गीता या भागवत आपको सुनना है, उसमें रसस्वाद करना है, तो भागवत की कक्षा में या गीता की कक्षा में हरेक इच्छाएं, हरेक विचार, हरेक जिम्मेदारियां, हरेक काम बाजू पे रख के एक घंटा बराबर कॉन्सेंट्रेट भागवत के शब्दों पर करें, एक घंटा डेढ़ घंटा। जैसे हम कार्तिक में वृंदावन में जाते हैं तो पूरे देश विदेश से सभी आचार्य गण आते हैं, सन्यासी महाराज आते हैं, और हर रोज सुबह में अलग अलग महाराज अपना अपनी भक्ति की पराकाष्ठा सभी में बांटते हैं भागवत के जरिए। तो वो क्लास में एक घंटा इतना पिन ड्रॉप साइलेंस होता है कि लोग इसमें डूब जाते हैं। तो भागवत ऐसा रसपान है, भागवत की महिमा ऐसी रसप्रद है, लेकिन हमारी दुर्दशा ऐसी है कि हमें ऐसा लगता है कि हम एक ही बात दूसरी बात अगर सुनते हैं तो अरे प्रभु जी वही बोल रहे हैं, एक ही बात कर रहे हैं, महामंत्र तो हमें मालूम है, लेकिन भगवान की महिमा हमें क्या कहते हैं कि भगवान की महिमा हमें और ज्यादा उसमें डुबाती है। क्योंकि परम सत्य योगेश्वर श्री कृष्ण अपने निज धाम के प्रयाण कर चुके हैं, अतएव कृपा करके हमें बताया कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं धर्म मूल रूप से साक्षात भगवान द्वारा स्थापित आचार संहिता है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अगर धर्म हम स्थापित करने के लिए उत्सुक है तो भगवान को अवतार लेने की क्या आवश्यकता। धर्म संस्थापन अर्थाय, भगवान धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होते हैं। और धर्म रक्षति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म करता है। लेकिन धर्म की रक्षा कैसे की जाती है, तलवार लेके खड़े रहने से धर्म की रक्षा नहीं होती है, कोर्ट में केस लड़ने से धर्म की रक्षा नहीं होती है, धर्म की रक्षा धर्म का पालन करने से। धर्म का पालन करेंगे तो धर्म की रक्षा होगी। अगर हम धर्म का पाचार नीति नियम बताए गए हैं इस्कॉन में, जो श्रीमद् भागवत में बताए गए हैं, वो नीति नियमों की पालन करने से धर्म की रक्षा होती है, महामंत्र के जाप करने से धर्म की रक्षा, धर्म का पालन करने की शक्ति आती है हमारे अंदर। तो धर्म प्रभुपाद जी के तात्पर्य में पहले लाइन में प्रभुपाद जी कहते हैं कि धर्म मूल रूप से साक्षात भगवान द्वारा स्थापित आचार संहिता है। जो भगवान द्वारा स्थापित आचार संहिता यानी श्रीमद् भागवत या श्रीमद् भागवतम या भगवद गीता, ऐसी पुस्तक को दुनिया की कोई और पुस्तक के साथ समान स्तर पे देखते हैं तो वो धर्मग्लानी है। एक तरफ भगवद गीता ले लो और भागवत ले लो, और दूसरी तरफ पूरी ब्रह्मांड का कोई भी दूसरे शास्त्र ले लो, अगर इसको हम इक्विवेलेंट
समान स्तर पे देखते हैं तो ये धर्म की ग्लानी होगी, क्योंकि धर्म की आचार संहिता का मतलब है जो भगवान द्वारा प्रस्तापित हुई है। धर्मो प्रतिष्ठो तर्को प्रतिष्ठो श्रुतियो विभिन्न मतिर्न कृष्णे परतो सतो। अगर अनेक शास्त्र हैं, अनेक धर्म हैं, हम किसको फॉलो करें, ऐसे लोग कहते हैं। कभी शिव पुराण में शिव की महिमा है, देवी पुराण में देवी की महिमा है, लेकिन भगवान की महिमा ये सभी महिमा से ऊपर है। और भगवान के द्वारा जो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि टाल सकता हूं या बंद कर सकता हूं, भगवान हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि बंद कर सकते हैं, लेकिन कोई भी देवी देवता ये नहीं कर सकता। देवी देवता हमें आवश्यकताओं प्रदान करेंगे इस जीवन की, लेकिन उसमें अगर क्षति हो जाएगी तो देवी देवता कोपायमान भी हो सकते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति में अगर क्षति हो जाए, त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए, तो भगवान हमारे भाव देखकर पिता के रूप में माफ कर देते हैं। ये भगवान और देवी देवता के बीच का अंतर है। तो धर्म मूल रूप से साक्षात भगवान द्वारा स्थापित आचार संहिता है। जब भी धर्म के सिद्धांतों का दुरुपयोग होता है या उसकी उपेक्षा की जाती है तो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि सप्तर्षिगण मत्स्य अवतार में धर्म शास्त्रों को लेके प्रलय के बाद धर्मों की स्थापना की थी। जब ऐसा भी लोग नहीं कर पाते या धर्म स्थापना फिर से लोग भगवान की दिशाओं के विहीन हो गए हैं तो भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु है और भगवान के हर दिन में भगवान ब्रह्मा जी के हर दिन में भगवान एक एक अवतार लेते हैं, जो उनका एक दिन कितना लंबा होगा। और ऐसे भगवान हरेक समय में हरेक युग में धर्म की स्थापना करते हैं। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि वेर वी बिलोंग टू, वेर मैं कहां से आया हूं। हमें दिखाई देता है कि माता पिता ने मुझे शरीर दिया, लेकिन माता पिता कभी मृत शरीर भी देते हैं। तो माता पिता ने जो शरीर दिया इसके अंदर जो चेतना, जो भगवान का अंश है, वो किसने दिया, तो वो मेरे माता पिता है। आगे मैं ये सब जानते हैं इसलिए मैं चर्चा ज्यादा नहीं करूंगा। तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं, इसका उल्लेख भगवत गीता में किया गया है। यहाँ पर नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन्हीं सिद्धांतों के विषय में पूछ रहे हैं, नहीं तो धर्म प्रोजित कैतव निर्मत सराणा, तो वो दूसरा जो श्लोक है भागवत का वो कैतव धर्म हो जाएगा, मनोधर्म हो जाएगा। कैतव धर्म जीवन की दिशा स्थापित नहीं कर पाएगा, भले हमें सही लिखे। आजकल प्रॉब्लम क्या हुआ है संसार में, समाज में प्रॉब्लम क्या है कि 95% तो सभी इज्म, चाहे इस्लामिज्म हो, जैनिज्म हो, या मुस्लिमिज्म हो, या क्रिश्चियनिज्म हो, या हिंदुइज्म हो, इज्म की बात करें जो समाज के द्वारा प्रस्तापित है, ये सभी इज्म में 95% बातें, 98% बातें तो सेम है, लेकिन वो 2-5% में जो अलग होती है उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं। अगर ध्यान देते हैं तो 95% नहीं पढ़ा है, इसलिए वो 2-5% के लिए झगड़ा करते हैं। अगर हम थोड़ा भी विचलित हो जाएंगे तो हमें 100% नहीं मिल पाएगा। कोई कोई मनुष्य के द्वारा बताया गया जो इज्म है, कोई 95% तक मैच्योरिटी में ले जाता है, कोई 98% तक ले जाता है, कोई 99% तक ले जाता है, तो हमें दिखाई देता है ये सब बराबर है शुरुआत में। लेकिन 100% अगर पहुंचना है तो भगवान की आचार संहिता भगवत गीता और श्रीमद् भागवत ये अमलम पुराण है। अगर 100% की यात्रा, और याद रखें
100% की यात्रा और 99% की यात्रा की ट्रेन अलग अलग होती है। दोनों ट्रेन एक बाजू बाजू में साथ में चलती हुई दिखाई दे, उसकी यात्रा भी पैरेलल चलती दिखाई दे, लेकिन एक ट्रेन 98% में 95% में रुक जाएगी और दूसरी ट्रेन 100% तक ले जाएगी। और जो 100% तक ले जाने वाली ट्रेन है वो देवी प्रकृति माश्रिता, वो देवी के प्रकृति के आश्रय में है और गीता और भागवत के आश्रय में है, गुरु के आश्रय में है और वो पहुंच जाएंगे। जो ये ट्रेन में नहीं बैठे, जो आधे रास्ते की ट्रेन में बैठे, उनको आधे रास्ते के बाद फिर से नई ट्रेन में जर्नी करनी पड़ेगी, यानी कि फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि चलेगा। इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। बुद्धिमान विद्वत्ता हमें एकेडमिक नॉलेज में नहीं लगानी है, हमारी बुद्धिमान विद्वत्ता इसी आत्मा की उन्नति के नॉलेज में लगानी है कि हमने ये मनुष्य जन्म धारण किया है और इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति। अगर परीक्षित महाराज 7 दिन में भगवत प्राप्ति कर सकते हैं तो हम मनुष्य जीवन में भगवत प्राप्ति क्यों नहीं कर सकते? अगर वो 7 दिन में जीवन का लक्ष्य है, वो भगवान महान भक्त थे, परीक्षित महाराज पहले से महान भक्त थे, लेकिन जब उनको पता चला, अल्टीमेट पता चला, तो उन्होंने 7 दिन में भगवत प्राप्ति का लक्ष्य हासिल किया। किसके जरिए? गुरु के जरिए, सुखदेव गोस्वामी के जरिए। लेकिन हमारे पास पूरा जीवन है तो भी हम लक्ष्य को हासिल करने में हिल जाते हैं। ये हमारी दुर्दशा है, ये हमारा कलयुग का लक्षण है। यहां पर नमिशारण्य के ऋषि मुनि इन्हीं सिद्धांतों के विषय में पूछ रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर आगे दिया गया है। श्रीमद् भागवत भगवान की दिव्य वाणी का स्वरूप है। श्रीमद् भागवत भगवान की दिव्य वाणी का स्वरूप है। इस प्रकार यह दिव्य ज्ञान एवं धर्म का पूर्ण स्वरूप है। पूर्ण स्वरूप है, पूर्णामृता स्वादन, 100% की ट्रेन है, डायरेक्ट भौतिक जगत से गोलोक धाम की ट्रेन है। कौन सी? श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत गीता। उसकी टिकट कहां मिल रही है? गुरु के पास। गुरु के पास उसकी टिकट मिल रही है और वो टिकट लेकर हमें वो ट्रेन में बैठना है, गीता और भागवत की ट्रेन में बैठना है। और भागवत की ट्रेन में बैठेंगे तो वहां कौन लोग मिलेंगे ट्रेन में? सब भक्तगण, जो भगवान की महिमा का उत्सुक है, जो भगवान की महिमा को सुनने के लिए, उसका जाप करने के लिए, उसकी सेवा के लिए उत्सुक है। जब तक उत्सुकता नहीं है, हम सोचना है कि हमारी ट्रेन अभी शायद गलत रास्ते में, गलत जगह ट्रेन में हम बैठे हुए हैं। क्योंकि जीवेर स्वरूप हुआ नित्य कृष्णदास। आज हमें भक्ति करने के लिए 1000 बार बोलना पड़ता है, प्रभु जी चांट करो, प्रभु जी मॉर्निंग में चांट करो, प्रभु जी चांट करो, ये हमारी दुर्दशा है। लेकिन जीव के ऊपर जब पाप पुण्य खत्म हो जाता है तो जीव को बोलना नहीं पड़ता कि तुम भगवान की सेवा में लगो, वो अपने आप जीव भगवान की सेवा में लग जाता है, क्योंकि उसके ऊपर का वासना का आवरण खत्म हो जाता है। तब तो वो लोभी हो जाता है भगवान की सेवा के लिए। हमें ऐसे लोभी बनना है। और वो लोभी क्यों नहीं बन पाए, वो वासना क्यों खत्म नहीं हो रही है? क्योंकि हमारे अंदर पाप पुण्य है। और पाप पुण्य की साफ करने के लिए भी गुरु ने हमें एक मेडिसिन दिया है, महामंत्र के रूप में। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो जो भी मेडिसिन देते हैं हम चुपचाप ग्रहण कर लेते हैं, नहीं पूछते हैं कि ये मेडिसिन में क्या क्या है, पूरा विश्वास करते हैं। हम ये भी अविश्वास नहीं करते डॉक्टर की डिग्री क्या है, डॉक्टर की मेच्योरिटी क्या है। लेकिन हम जब बोनाफाइड गुरु के पास आते हैं और बोनाफाइड गुरु हमें महामंत्र देते हैं तो हम बोलते हैं, प्रभु जी सभी भगवान के नाम बराबर है, क्यों महामंत्र की बात कर रहे हो? ये महामंत्र तो बहुत लंबा है, क्यों महामंत्र की बात कर रहे हो? तो हम ऐसे अयोग्य प्रश्न लेकर उपस्थित हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? हमारे अंदर पाप की कलमश यात्रा इतनी गहरी है कि हमें भगवान की भक्ति की बोट मिल रही है, उसके लिए हम उत्सुक नहीं है, उसके लिए हम उदासीन है। ये हमारी दुर्दशा। कृपया जीव जागो, जीव जागो, गौरा चंद्र बोले, फोटो निंद्रा जाओ माया पिशाची। हमें जागना होगा,
हम सबको जागना होगा। हम एक दूसरे, अगर कोई नहीं जाग पाता है तो एक दूसरे को हाथ पकड़कर जगाना होगा। गुरु महाराज हम सबको हाथ पकड़कर जगा रहे हैं। ये भागवत जब हम सुनते हैं, भागवत जब हम पढ़ते हैं, भागवत जब हम समझते हैं, भागवत की लीलाओं की गहराई में हम जब प्रवेश करते हैं, तो ये गुरु हमें हाथ पकड़कर ले जा रहे हैं। चाहे ऐसा हम पदार्थ के अनुभव में ऐसा ना सोचे कि कहां हमारा हाथ की गुरु ने तो नहीं पकड़ा प्रभु जी। अगर गुरु ने हाथ नहीं पकड़ा तो ये चीज हमें प्राप्त नहीं होती। और आज देख लो, आज रविवार की सुबह है, आप गूगल मीट पे सुन रहे हो, लाइव क्लास सुन रहे हो। आप देखो अहमदाबाद में कितने लोग हैं, कितने लोग भागवत सुन रहे हैं। इस्कॉन के मंदिर में कुछ लोग होंगे और कुछ जो अपनी साधना में होंगे वो होंगे, लेकिन कितना परसेंटेज? 1% भी नहीं होगा। तो ये भागवत जो 1% में भी जो हमें प्रवेश करवाया, किसने करवाया? ये भागवत ने करवाया। भागवत के अंदर ये ऋषि मुनियों ने सुत गोस्वामी को प्रश्न पूछा, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म वो है जो भगवान की प्रणालिका से चलकर आ रहा है, वो प्रणालिका के द्वारा नैमिषारण्य में सुत गोस्वामी के द्वारा हमें मिलने वाला है, शौनक ऋषियों के द्वारा मिलने वाला है, सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित के द्वारा मिलने वाला भागवत हमें श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रस्थापित, फिर से प्रस्थापित करके हमें प्रभुपाद जी के द्वारा, गुरु महाराज के द्वारा, ये श्रीमद् भागवत की पुस्तक के द्वारा हम उसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये पुस्तक नहीं है, ये हमारा भागवतम सेट का 5,000 रुपये का पुस्तक नहीं है। ये भागवत के अंदर जो खजाना है वो 5,000 रुपये नहीं, 5 करोड़ रुपये में भी नहीं खरीद सकते हम। ये भागवत के अंदर जो ज्ञान है, जो भक्ति है, जो प्रेम है, वो हमारी मन की सोच से कई गुना, अबजों गुना बाहर है, अचिंत्य है। ये श्रीमद् भागवत हमें मिला है। हम कभी भी भागवत पढ़ने के टाइम एक एक लाइन पढ़ते हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य, एक एक श्लोक पढ़ते हैं, तब हम प्रभुपाद जी की कृपा को ना भूले। एक एक वाक्य को अगर हम समझते हैं तो हम प्रभुपाद जी की कृपा को ना भूले। प्रभुपाद जी की कृपा कितनी गहरी है, इतना गहरा हमारे लिए मंद बुद्धि वाले को कितना गहरा समझाया है, कितनी मेहनत की है उन्होंने पूरी रात जग जग कर। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के अंतर्गत मुनियों की जिज्ञासा नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो इस भागवत की कक्षा का कोई भी श्रेय है, कोई भी सुकृति है, ये भगवान की हेतु की कृपा है जो गुरु के द्वारा हमें मिली है। इसमें मेरा कोई भी एक रज मात्र भी मेरा अंदर स्व का श्रेय नहीं है। जो भी बुलवाते हैं, आप सबकी हृदय की भक्ति की परिपक्वता मुझे बुलाती है, गुरु के आदेश और गुरु की आशीर्वाद मुझे बुलाते हैं, इसमें मेरा कोई प्राधान्य नहीं है। अगर इसके अंदर कोई भी त्रुटि रह गई है मुझे क्षमा करें। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अगले हफ्ते हम ऋषि मुनियों ने जो ये 6 प्रश्न किए उसके बाद सुत गोस्वामी जो जवाब देने वाले हैं उसके अंदर प्रवेश करेंगे कि जो भागवत का रियल उपदेश है, जो पूरा 18,000 श्लोक ये जवाब के रूप में है हमारे पास श्रीमद् भागवत का। तो ये सोचिए कि ये 6 प्रश्न कितने गहरे हैं और 6 प्रश्न की गहराई सुत गोस्वामी ने कितनी गहरी समझी है कि उनको एक एक कोने में सवाल जवाब में के रूप में एक एक कोने में ले जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत सवाल जवाब है, श्रीमद् भगवद गीता सवाल जवाब है,
जब तक हम भागवत सुनने के बाद हमारे अंदर भागवत के अनुरूप सवाल जवाब प्रस्थापित अगर उत्कंठित नहीं होते, तो पुस्तक मां वाचियो, पुस्तक पुस्तक मां वाचियो, पुस्तक मां समायो, ऐसा ना, ऐसा भागवत हमें नहीं सुनना चाहिए। हमें भागवत से उत्कंठा करनी चाहिए और भागवत के रिलेटेड क्वेश्चन कि जो हमारे आत्म कल्याण के लिए हो। कभी कभी हम प्रश्न करते हैं, कर्मठ प्रश्न करते हैं, कर्मठ प्रश्न कुछ हद तक ठीक है, लेकिन वो ट्रेन शायद 95% में रुकने वाली है, 100% तक जाने वाली नहीं है। हम भक्तिमय प्रश्न करें भागवत को समझने के लिए, गुरु की कृपा को समझने के लिए। आप सब भक्तों को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।